नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की 3D लोगो कैसे बनाएं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसको सिंपली वे में हम कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले कंट्रोल एन करके न्यू पेज हम ओपन करते हैं। यहाँ से न्यू पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे व्यू पे आते हैं और ये जो पेज की बॉर्डर इसको हटा देते हैं। पेज पे क्लिक करके पेज बॉर्डर से पेज बॉर्डर हटा देंगे। देन लेंगे हम एक सर्कल, कंट्रोल के साथ सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद सर्कल को कॉपी पेस्ट करके इस साइड ऊपर की साइड इस प्रकार से रखना है। दोनों शेप को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें कर देना है ट्रिम। तो ये वाली शेप को हमें कर देना है डिलीट। तो ये शेप हमारी निकल गई। अब यहाँ पर लेंगे एक सर्कल, लैंडस्केप ले लेते हैं ऐसे और इसको लेके इसके ऊपर ऐसे सेट करते हैं ऐसे। इसका जो सेंटर है, सेंटर को लेके हमें यहाँ पे रखना है ऐसे और इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे। इसको इस प्रकार से रोटेट करने के बाद यहाँ से लेंगे हम पेन टूल। पेन टूल से हमें बनानी है लाइन। यहाँ से क्लिक करके ऐसे लाइन बनाते हैं ऐसे। शेप टूल से इसको कर्व करेंगे, पॉइंट लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे और इस प्रकार से इसको कर्व करना है हमें। कर्व करने के बाद इस सर्कल को हमें सेट करना है ऊपर की ओर। सर्कल सेट करने के बाद इस लाइन को ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे सर्कल के ऊपर। ये लाइन को ऐसे ज्वाइंट कर देना है। इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब बारी इसको कलर करने की। यहाँ पे लेंगे हम स्मार्ट फिल का ऑप्शन और यहाँ पे क्लिक करेंगे कलर करने के लिए। इस वाले शेप पे भी क्लिक करेंगे ऐसे और जो ये सर्कल है और इस वाले शेप को कुछ और कलर कर देंगे ऐसे और इसको यहाँ से कर देंगे मर्ज। सेम हमें ये वाला शेप और ये वाले शेप को क्लिक करना है और यहाँ पे कोई से भी कलर कर लेंगे और उसको भी कर देंगे हम यहाँ पे मर्ज। ऐसे मर्ज करने के बाद अब लेंगे यहाँ पे हम इंट्रैक्टिव फील टूल। इंट्रैक्टिव फील टूल लेना है और इसको हमें करना है ग्रेडियंट। तो इस शेप को यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट शेप को हम करते हैं ब्लैक कलर, देन सेकेंड शेप को करते हैं हम ब्लू कलर। इस प्रकार से हमें कलर कर देना है। इस प्रकार से कलर कर देंगे। सेम हमें यहाँ पे भी ग्रेडियंट करना है। ग्रेडियंट करने के लिए यहाँ पे कलर लेते हैं और यहाँ पे कलर लेते हैं। इस साइड को हम कर देते हैं ब्लैक और बीच वाले जगह पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्लू कलर। इस प्रकार से कलर ले लेंगे। कलर सेट करने के बाद दोनों शेप को सिलेक्ट करना है और इनके आउटलाइन को हटा देना है। यहाँ से नो आउटलाइन पर राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी आउटलाइन हट जाएगी। सेम अब लेंगे हम एक सर्कल, कंट्रोल के साथ सर्कल को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसको सेट करेंगे यहाँ पे। सेट करने के बाद यहाँ से इंट्रैक्टिव टूल लेंगे और इसको कलर फिल करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर करेंगे इसको रेडियल। रेडियल करने के बाद इसकी डायरेक्शन को बढ़ा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से करने के बाद अब लेंगे यहाँ पे एक ओवल। ओवल को इस प्रकार से ड्रॉ करना है हमें। इसको ऊपर की ओर सेट करेंगे और इसको यहाँ से वाइट कलर फील कर देंगे। आउटलाइन को हटा देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे और इसको ऊपर की ओर इस प्रकार से सेट कर देंगे। यहाँ से लेंगे ट्रांसपेरेंट टूल और इसको इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट कर देना है हमें। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा सर्कल, इसको भी करेंगे वाइट कलर। आउटलाइन को भी वाइट कर देंगे। इफेक्ट पे आना है, ब्लर पे आएंगे और इस ये वाले गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है और इसकी ब्लर को बढ़ा देनी हमें। तो ये बन गई। सर्कल को हमें करना है सिलेक्ट, कंट्रोल जी से कर देंगे ग्रुप। तो ये हमारी सर्कल ग्रुप हो गई। अब इसको इस प्रकार से नीचे ले लेंगे
और जो ये वाला शेप है इस शेप पे क्लिक करके कंट्रोल पेज अप कर देंगे कि ऊपर हो जाएगा। फिर इस शेप को थोड़ा और नीचे की ओर ऐसे मूव कर देंगे और शेप को सिलेक्ट करके हमें करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से हमारी शेप ग्रुप हो गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करके इसको नीचे की ओर ऐसे मूव कर देते हैं। ऐसे ऐसे मूव करने के बाद यहाँ पे लेते हैं ट्रांसपेरेंट टूल। ट्रांसपेरेंट टूल से इसको इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है ऐसे। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद इसके बैकग्राउंड में कलर ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ इस शेप को बड़ा कर देते हैं ऐसे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे पिक टूल लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर कर देते हैं ग्रे कलर, ये वाला कलर कर देते हैं और कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं। सारे शेप को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ और कंट्रोल जी प्रेस कर देते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी 3D डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।